सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपको एक बहुत ही फेमस स्टड फार्म के बारे में जानकारी दिलाएंगे। काफ़ी अच्छा फार्म है और बहुत ही फेमस है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, एक बार अपना एड्रेस बताइए और नाम और डिटेल्स बताइए। मेरा नाम नारायण सिंह राठौड़ है, भूमेशा स्टेट फार्म रोहिणा गाँव है और नागौर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान। राजस्थान में है तो सर, टोटल कितने घोड़िया आपके पास, घोड़े और घोड़िया? 15-16 है। 15-16। तो सर, आप कौन सी नस्ल पालते हैं, नुकरे या मारवाड़ी? मैं हम सिर्फ मारवाड़ी। मारवाड़ी पालते हो आप, तो कोई मेन पर्पज है सेल परचेज का या मतलब बिजनेस या कोई शौक के लिए? नहीं, हम तो शौक के और शो पीस रखते, शो के लिए जानवर पालते, शौक हम कभी ये बिजनेस नहीं करते इसका। अच्छा, तो आपको शौक है सिर्फ जानवर रखने का? सिर्फ शौक। शौक आपको जानवर रखने का? जी हाँ। सर, आपको अनुभव कितना है घोड़ा और घोड़िया रखने का? अनुभव ऐसी बात है कि अनुभव मेरे दादाजी भी रखते थे, मेरे फादर भी रखते थे हमारे, और बीच में हमारे फादर नहीं रहे तो थोड़ा स्टॉप कर दिए थे। अच्छा। 10-20 साल, उसके बाद में अभी 5-6 साल से हम वापस इसमें चालू किए। तो सर, जैसे कि शो में लगाते हैं आप जानवर, तो थोड़ा सा बताएंगे मतलब कौन कौन से शो में आपके जानवरों ने पोजीशन ली है? हमारा पुष्कर में लिया, एक बच्ची ने आया तीसरे पर, नागौर में एक फर्स्ट आया था, और पालनपुर में अभी एक सेकंड एक फर्स्ट आया था। जैसा कि सर आपने बताया आपके फार्म पे 15-16 जानवर है जी, तो एक बार बताओगे मतलब कौन कौन सी लाइन के जानवर अभी फार्म पे आपके पे है? हमारे तूफान लाइन के और देवली लाइन के भी है। अभी एक बच्ची है, प्रिंस की बच्ची है जी, एक अपने काले कांटे की बच्ची है जी, और एक सुप्रभात का बच्चा है जी, एक सप्ताज का बच्चा है हमारे पास जी। यानी मतलब जो इंडिया में टॉप लाइन चल रही है आज के टाइम पे, आप हर एक लाइन का जानवर आपके फार्म पे है। देवराज का बच्चा मेरे पास अभी सेकंड आया है, काले कांटे की बच्ची अभी मेरे पास पालनपुर में फर्स्ट आई है। फर्स्ट आई है जी। जी सर। और मेरे देवराज का बच्चा है मेरे पास में, 66+ हाइट है। देवराज जो रनिया फार्म पे है, रनिया फार्म वाले का 64+ है, और देव का बेटा है उसका मेरे को 66+ हाइट है मेरे पास अजंत में। तो काफी अच्छा कलेक्शन आपका घोड़ों का। शौक है, क्या करे, रखे तो फिर अच्छा ही रखना जी सर, तो उसको खिलाने का भी मजा आता, और हम लोग को कोई घोड़े वाला ब्रीडर आते देखते तो अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। जैसा कि सर आज जो युवा पीढ़ी है वो इस लाइन में काफ़ी आगे बढ़ रही है, आप कोई संदेश देना चाहेंगे उनको? संदेश यही है मेरी तरफ से तो, कि जानवर जो भी रखे, जो भी भाई रखना चाहे, अच्छी लाइन का जानवर रखे, 10-5 नहीं रखे, 2 ही रखे, लेकिन अच्छे जानवर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ में तो बीत चुका है जी, और हम भी जो बीता हुआ है उनमें नहीं बीतना, जो नए आदमी, हमने तो बड़ी मुश्किल से अभी ये लाइन बनाया, बहुत लोगों का, 2-3 लोगों का अच्छा साथ मिला था, अच्छे लोग मिले मेरे को, जैसे रंशी सोई बना है पंजाब में, नीटा सिंह सिंधु, और भी एक दो आदमी हैं, लेकिन अच्छे लोग मिले मेरे को अच्छा रास्ता दिखाया। तो सर, अभी आपके फार्म पे विजिट किया है तो हम आपके जानवर देखना चाहेंगे। जानवर ऐसी बात है, जानवर देखना है तो दिखा देंगे, हमारे मैनेजर साहब है तो दिखा देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है, इस फार्म का मैनेजर मैं हूँ, चलो आपको पूरा फार्म दिखाता हूँ। तो सर, इसके बारे में बताइए मतलब कौन से घोड़े का है ये? ये सप्ताज का है। सप्ताज का? हाँ, 7.5 महीने का है। 7.5 महीने का? हाँ। तो सर, जैसे ये 27 का है तो उम्मीद कितनी, हाइट कितनी लेगा? ये 64+ लेगा। 64+ लेगा इसको भी, ये मैं देख रहा हूँ 100 क्वालिटी बच्चा है बिल्कुल जी। तो इसको भी आप 100 के लिए तैयार कर रहे हो? सभी जानवर 100 के लिए तैयार कर रहे हैं। 100 के लिए तैयार करते हो आप?
सर ये कौन से घोड़े का बच्चा है? ये सुपर बाद का बच्चा है, इसकी माँ बाबर की बेटी है, बादल साहब के पास में थी ना मिली। अच्छा जो बाबर था उसके। हाँ। और ये सुपर बाद का? सुपर बाद का बच्चा है, साढ़े तीन महीने का, हाइट लेंथ शो के लिए तैयार किया हुआ है। अच्छा इसको भी शो के लिए तैयार कर रहे हैं? इसकी माँ भी पंजाब में उधर शो में विनर बनी हुई है। अच्छा इसको भी शो के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है सर। तो फिर सर बताना इसके बारे में। ये प्रिंस की बेटी है। ठीक है। तो चार दांत है भी, तो चौसठ हाइट है इसकी। चार दांत है यानी मतलब अभी तो पूरी घोड़ी हुई नहीं, चौसठ होगी। हाँ चौसठ होगी। ये भी शो है जानवर है। इसको भी शो के लिए तैयार किया। ये सब विकास की बच्ची है। विकास घोड़ा? हाँ विकास घोड़े की बच्ची है, दो दांत है और पुष्कर में थर्ड नंबर पे थी और नागौर में फर्स्ट नंबर पे थी। दो दो पोजीशन ले रखी है इस बच्ची ने। हाँ साढ़े बारह से हाइट है। ये भी चार दांत करेगी तो चौसठ प्लस होगी। अच्छा ठीक है सर। ये गोल्डन स्टार का बच्चा है, दो दांत अभी किया, पंद्रह दिन हो गए इसको करके। ये जो गोल्डन स्टार वही ना जो सलमान खान के पास था, पास में उसका राजस्थान में एक ही बच्चा है तो 64 प्लस हाइट है इसका। 64 प्लस। हाँ ये तो सर ब्रीडिंग वाला स्टैलियन है फिर। हाँ तो ब्रीडिंग वाला ही स्टैलियन है, इसको चार दांत होने के बाद में छोड़ेंगे। अच्छा अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी दो दांत है। अभी दो दांत है। काफी अच्छी बाड़ी है घोड़े की। हाँ तो राकेश सर आपने गाय भी पाल रखी है, बताएंगे कौन कौन सी नस्ल है? ये गिर गाय है, देसी गाय है, राठी गाय है। इनका दूध घोड़ों को पिलाना ज़रूरी है बच्चों को तैयार करने के लिए, तो ये सिर्फ घोड़ों के लिए ही है। अच्छा तो मतलब कितनी गाय टोटल? आठ दस गाय हैं। मतलब गिर भी है, देसी भी है, राठी भी है, राठी भी है, हर तरह की नस्ल पालते हो आप? तो इनका दूध सिर्फ घोड़ों बच्चों को पिलाते हो? बच्चों को पिलाने के। मतलब कोई फ़ायदा है जैसे दूध पिलाने से घोड़े से? हाँ उसकी लेंथ लंबाई ऊंचाई सब कुछ बढ़ती है। ग्रूमिंग वगैरह चिकनाई जो चमक होती है? हाँ ग्रोथ वगैरह चिकनाई सब कुछ बढ़ती है। ठीक है सर। सर ये क्या बोल रखा है आपने? ये रिज का है घोड़ों के लिए। मतलब इससे क्या फायदा होता है? इससे वही दूध के जैसा जैसे ग्रोथ बढ़ना और ये हरा जो होता है ना, इससे बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए फायदेमंद होता है। मतलब ये जो हरा चारा जरूरी होता है घोड़ों के लिए? घोड़ों के लिए बहुत जरूरी है। मतलब ये सारा आपने अपने खेत में बो रखा है? हाँ ये सिर्फ घोड़ों के लिए ही है। मतलब सेहत का राज ये रिज का है घोड़ों की? हाँ मैन रिज का ही है। ठीक है सर।